वैशाली के स्पॉट को कवर करने आ गई हूँ एंड अभी मैं खड़ी हूँ बुद्ध रेलिक स्तूप के बाहर में। अंदर में जाने के बाद मैं पूरा कवर करूँगी एंड एक हिस्ट्री भी है यहाँ की, वो भी मैं बताऊँगी। एंड आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी यू नो जैसे कि वहाँ पे विश्व शांति स्तूप के बाहर में भी मार्केट्स लगे हुए थे, उस तरह का यहाँ पे भी एक छोटा सा मार्केट है जहाँ से आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक देखेंगे तो बुद्ध भगवान का स्टैचू बना हुआ है, एक बड़ा सा बेल भी है। देख सकते हैं यही है वो जगह। और जब आप एंटर करते हैं इधर में इंग्लिश में और इधर हिंदी में दोनों ही साइड में जो है इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। तो जो अवशेष था मतलब बुद्ध भगवान का 8 भाग में बांटा गया था, उसका एक जो है अवशेष ये जो है रिलिक स्तूप इसमें डाला गया है। और पूरी हिस्ट्री आपको जाननी है तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगी समझाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो आगे चलते हैं। और वैसे ये जो है 8.07 मीटर का ये बना हुआ है। सो गाइस अभी मैं यहीं पे आ चुकी हूँ और जैसा मुझे पता चला कि 18 साल पहले अगर देखा जाए तो ये इस तरह से नहीं था, ये झोपड़ी का बना हुआ था, मर्ड की मिट्टी से बनी हुई थी। बट अब इसको इस तरह से बना दिया गया है कि इसके अंदर कोई जा भी ना सके और यहाँ से आप क्लियरली देख भी सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को क्लोजर व्यू आप लोग को दिखाई दूंगी। मैंने कवर वहां पे कर लिया और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, हालत ख़राब हो चुकी है। और आप तो मेरे वैशाली वाले ब्लॉग अलग अलग दिन पे देख रहे होंगे, बट मैं हर एक जगह को ना एक ही दिन पे कवर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। 3 से ज़्यादा बज चुके हैं, मैं सुबह के 10 बजे से निकली हुई हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है और मैं इधर साइड में बैठी हुई हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ। आप लोग भी मस्त बैठ सकते हैं, इधर छाँव है, इसीलिए कहा जाता है पेड़ हमेशा रोपने चाहिए, बिकॉज इतनी गर्मी में भी यहाँ छाँव में बैठी हुई ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया जाए गाइस, आप लोग आओ तो कोल्ड ड्रिंक लेके आना। सुकून मिलता है गाइस इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का, ना अलग ही मजा है। थोड़ा देर रेस्ट करूंगी फिर मुझे चलना है नेक्स्ट स्पॉट पे और इस वीडियो को करूंगी एंड। थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू। हो चुकी है बहुत ही बुरी और दो रास्ते हैं, उधर से भी आप आना जाना कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। आप सोच रहे क्या बोले जा रही है, बस आना जाना नहीं मतलब आने के लिए जाने के लिए रास्ता है। और अभी जो ये साइड वाला रास्ता है ना इधर में थोड़ा सा छाँव है, उधर बहुत ज़्यादा धूप है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं इधर से निकलने की कोशिश किया, इधर ही से निकलूँगी और निकलते हैं भाई। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ रेलिक स्तूप के से बाहर और करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाहर में काफी सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट पॉड पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.